BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। मैं मौजूद है और अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव का कार्यक्रम इसी मंच पर हुआ है, जहां पे उन्होंने अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट मांगा। हमारे साथ महताब आलम जी, इनसे बात करेंगे। महताब आलम जी, तेजस्वी यादव जब मंच से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर लगातार कई हमले बोले, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं बोला, नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए कि रोड शो पे चौथे चरण में मजबूर कर दिया रोड शो पे आने पे। अब जब बहुत जल्दी फिफ्थ चरण के जो चुनाव ख़त्म होंगे तो आप देखिएगा रोड शो के बाद ये है ना, आपको नुक्कड़ सभाओं में दिखने लगेंगे। अच्छा, आप और आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि मजबूर कर दिया है? रोड शो तो करेंगे, चुनाव प्रचार तो करेंगे। नहीं नहीं, रोड शो आप बिहार में क्यों कर रहे हैं? आपके बिहार ने तो आपको 40 पे 39 सीट दे के दिए, भेजा था, आप बिहार में क्यों कर रहे हैं? बिहार में ये सवाल है ना कि बिहार में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप का विजन ऑफ विजडम क्लैप्स कर गया है। जब मेरा नेता को आप शहजादा बोलते हैं तो इधर से जब जवाब मिलता है पीरजादा तो उनके शब्दकोश में कमी आ जाती है उनके पास विजन ऑफ विजडम में कमी या लैकनेस आ जाता है। यहाँ पे आते हैं तो मांस मछली की बात करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मोदी जी जब रोड शो कर रहे थे उस दौरान उनके दाहिने साइड में नीतीश कुमार खड़े थे, बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ ही देर बाद तस्वीर बदल गई, नीतीश कुमार नहीं दिख रहे थे। असल में उनके हाथ में कमल थमा दिया था नीतीश कुमार के हाथ में, और आपको पता होना चाहिए कि कमल है ना कीचड़ में उछलता है, और उनको है ना थोड़ा बीमारी हो गया है तो उनके हाथ पे जब कीचड़ लग गया तो उस धोने के लिए चले गए थे, धोने के लिए चले गए, पता चल रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि मोदी जी ने उनको उतार दिया इसलिए कि कहीं नीतीश जी को रखेंगे तो मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आ जाएगी मंच पर? बड़ा समझदार पत्रकार हैं, आपको तो सब पता ही है। जब आप तो सब पता ही है तो फिर आप इसी ये सवाल क्यों कर रहे हैं? जब पता है, अरे लोकप्रियता की बात नहीं है, लोकप्रिय तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं रहे, लोकप्रिय तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं रहे, नीतीश कुमार क्या रहे? आपको बता रहे हैं जहाँ आपके नेता अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं जिनके लिए तेजस्वी यादव आए थे, इसी सरजमी पे NDA के लोग लगातार ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो फिजा बदल जाएगी। मोदी जी आएंगे तो फिजा बदल जाएगी उन्होंने कहा जी, NDA के लोग लगातार कह रहे हैं ये बात। डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेंगे ना सिवान में, डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेंगे तब भी कुछ नहीं, इनके पापा है ना, भक्तों के पापा इसराइल के भी, नेतन्याहू को भी बुला लेंगे तो कोई फिजा नहीं बदलने। सिवान ने मूड बना लिया है, सिंहासन खाली करो, जनता आने वाली है। सिवान को लेकर खासकर क्या कहेंगे? एक तरफ सिवान, अवध बिहारी चौधरी और उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप, क्या कहेंगे सिवान के लोगों से? सिवान के लोगों से कहेंगे कि नया पसंद आवाम, जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली आवाम, काली करतूतों की काली सरकार को समझे, भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार को समझे, जो नरेंद्र मोदी जो झूठा जुमलेबाज है उसकी जुमलेबाजी को समझे और बूझे, और रोज़गार के लिए सिंचाई दवाई कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार को चुने, और हमारे अवध बिहारी चाचा को एकजुट करें और उनकी ताकत दें कि आप जब सदन में जाएं MP का फुल फॉर्म ही छोड़िए ना, पूरा का पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संविधान को समझा दें और जाके आपको फख्र के साथ सर ऊंचा करने का काम करें। महताब जी, जहां विकास की बात होनी चाहिए थी, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, वहां पे अब शब्दों से लोग खेल रहे हैं। मोदी जी तेजस्वी यादव को शहजादा बोलते हैं, तेजस्वी यादव मोदी जी को पीरजादा बोलते हैं, मतलब क्या विकास की बात नहीं होगी, यही सब होगा? हम तो सब देखिए, हिंदुस्तान में हिंदी हमारी राजभाषा है, उसमें 16 लाख शब्द हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास शब्दकोश में उनके डिक्शन में शब्दकोश में उनके डिक्शन में शब्दों की कमी है, और उनके शब्दों में क्या कमी है, उनके पास सिर्फ आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मांस मछली, मंगलसूत्र, इस्लाम और सनातन को छोड़ के इनके पास कुछ नहीं है। शहजादा जनता उसी चीज़ को पसंद करेगी, नहीं शहजादा को छोड़ के कुछ नहीं। इनके पास रोजगार का मुद्दा नहीं है, इनके पास शिक्षा का मुद्दा नहीं है, इनके पास चिकित्सा का मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई और नहीं है, तो फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है। अब शब्दों की कमी का आप ये अंदाज़ा ले लीजिए, जब उन्होंने हमें शहजादा कहा तो मेरे नेता ने उनको पीरजादा कहा, तो वो अभी वो कैप्स की अपनी उनकी दुकानों में अपने शब्दकोश की दुकान जो डिक्शनरी को खोल रहे हैं वो देख रहे हैं कि कौन सा नया शब्द निकालें, क्योंकि उनका जो जुमला कम हो रहा है, जनता समझ रही है, तो जनता ठगी भी महसूस कर रही है, तो इस बार इनको औकात बता दी है
औकात बता दिए, आप देख लीजिएगा। अभी रोड शो किए हैं, नुक्कड़ सभा करेंगे, जिन इन्होंने झूठा वादा बिहार के आम आवाम से किया था कि सारे चीनी मूल्य को खुलवा के इन्हीं चीनी से मैं चीनी का चाय पीऊँगा, अब लोग उनसे चीनी की चाय तो ना चीनी मिले ना इनको इस बार चाय हम लोगों ने दिया, अब इनको चाय बेचवाने का काम करवाएंगे। सर तो महताब आलम जी थे, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इनसे चाय बेचवाने का काम हम लोग करेंगे, यानी इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जनता जो है वो समझ चुकी है और इस बार नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छा, तमाम खबरों का आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।